बैहर तहसील अंतर्गत आने वाले मलास खंड चारटोला की छात्रा यूक्रेन से सुरक्षित रोमानिया बॉर्डर पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में भारत के तकरीबन 20,000 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की पुष्टि गृह मंत्रालय द्वारा की गई। हालांकि भारत सरकार उन्हें भारत वापस लाने का पूरा प्रयास कर रही है। बालाघाट जिले के 3 मेडिकल स्टूडेंट के वहां फंसे होने की खबर मिली थी, जिसमें प्रगति ठाकरे नामक छात्रा को रोमानिया बॉर्डर पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय से मलास खंड थाने को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मलास खंड थाना स्टाफ प्रगति ठाकरे के घर पहुंचकर उनके माता पिता को बेटी के सकुशल होने की जानकारी दी और बताया कि भारत के लिए उड़ान भरने वाली अगली फ्लाइट में फंसे हुए बच्चे जल्द ही अपने वतन वापस आ सकेंगे। यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कब तक वो भारत आ रहे हैं? देखिए, अभी तक हमें एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें जिसका नाम प्रगति ठाकरे है। ये जो मलाजखंड के चाटोला में रहने वाली है, कल मलाजखंड थाना प्रभारी की टीम के द्वारा उनके पिताजी से मुलाकात की गई और उन्हें ये जानकारी दी गई कि उनकी लड़की रोमानिया जो प्रगति ठाकरे जो मेडिकल के लिए गई हुई थी यूक्रेन में, वो वर्तमान में रोमानिया बॉर्डर पर आ चुकी है और सुरक्षित हैं। जल्द ही वो घर पर लौटेगी और इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो आज वो उसकी जो फॉर्मेलिटी वो सारी पूरी करने के बाद कल रवाना होकर 2 दिन के अंदर भारत पहुंचने की पूरी संभावना है। प्रगति के बारे में उसके परिवारजनों को ये भी बताया गया कि वो सुरक्षित हैं, सकुशल हैं और भारत सरकार द्वारा सभी जितने भी छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनको सुरक्षित लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। बैहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट, R9 भारत।